स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। आज हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है नॉट पैड। ओके, ये है चैप्टर 5 नॉट पैड। ओके, तो आप जब क्लास मतलब कंप्यूटर लैब में जाते हो, तब आप नॉट पैड में अल्फ़ाबेट लिखने की प्रैक्टिस करते हो ना, ए सी जेड तक, या फिर और कोई भी मतलब माई सेल्फ। ओके, तो ये तो आपने नॉट पैड तो पता ही होगा ना कि नॉट पैड में कैसे इरेज करते हैं, कैसे टाइप करते हैं, कितनी स्पेस छोड़ने के लिए कौन सा बटन होता है ना। अगर नहीं पता है तो फिर से हम देख लेते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है ना नॉट पैड, वो एक्चुअली तो आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा सकता है, बट अभी तो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ओके, अगर आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं है तो जब भी हम स्कूल में मिलेंगे तो तब भी हम आपको नॉट पैड मतलब पूरे कंप्यूटर का मतलब जो जितने जितने पार्ट आते हैं वो हम समझा देंगे। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे है द नॉट पैड विंडो। तो नॉट पैड विंडो में हम ये जब नॉट पैड विंडो खोलते ओपन करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे आप जो देख रहे हो ऊपर वाली लाइन, वो आती है टाइटल बार। ओके, ये जो टाइटल होता है ना, हम उसमें टाइटल लिखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कुछ लिखा है ऐसे वगैरह तो उसका टाइटल लिया फिर। ओके, फिर ये जो सेकंड वाली लाइन है वो मेनू बार है। ओके, ये सब इसमें मेनू है, जैसे कि यहाँ पे फाइल है, एडिट है, व्यू हेल्प वगैरह, मतलब जो भी हमें हेल्प मतलब जो भी हमें इनमें से मेनू यूज़ करना है उनमें यूज़ करते हैं, मतलब इसको सब कहते हैं मेनू बार। फिर ये जो आप देख रहे हो ना लाइन, वो है कर्सर। तो जब भी हम लिखते हैं तो ये आगे कर्सर होता है ना, ये जो लाइन होती है उसके उसको कहते हैं कर्सर। फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पूरा, तो उसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी सी, मतलब पूरा जो भी हम लिखना चाहते हो वो, या फिर आप ऐसे लिखना चाहते हो कुछ भी। ओके, तो फर्स्ट हमने जो देखा था टाइटल बार, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है टाइटल बार। तो टाइटल बार डिस्प्ले अनटाइटल्ड नॉट पैड द नेम ऑफ द प्रोग्राम। ओके, तो जो टाइटल बार है उसमें क्या नाम होता है, अनटाइटल्ड नॉट पैड। ओके, फिर सेकंड है मेनू बार। द मेनू बार डिस्प्ले द मेन मेनू, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। If you click on any one of this menu, you will see a drop-down menu that contains many other tools and command. तो आप अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत, मतलब आपको फाइल, अगर आपने कुछ भी यहाँ पे लिखा है तो आपको फाइल बनानी है तो यहाँ पे फाइल में जाके आप एडिट वगैरह कुछ भी कर सकते हो। एडिट में जाके अगर आप उसमें जाओगे तो उसमें भी कुछ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, फॉर्मेट, फिर व्यू है एंड हेल्प है। ओके, तो आप इनमें से जो भी आपको करना है इसका मतलब मेनू बार में इतने होते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। फिर है टेक्स्ट एरिया। दैट इज द एरिया ऑफ नोटपैड विंडो वेयर यू टाइप टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट एरिया होता है ना उसमें, वो नोटपैड विंडो, तो वहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट यू सी इन द टेक्स्ट एरिया इज कॉल्ड कर्सर। ओके, मतलब जैसे कि आप एग्जांपल दे रही हो कि यहाँ पे अभी ये कर्सर एरो है। ओके, अगर ये आप कंटिन्यू लिख रहे हो, जैसे कि मैंने टी एच ई ध लिखा तो वो एरो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे लिखोगे आप लोग लिखोगे उसके मतलब वो जो भी वर्ड्स आपने जो भी लिखा है वो ख़त्म होने के बाद ही लास्ट में ये कर्सर आता है। ओके, वो तो आपको पता है ना, जब आप भी कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर लैब में जाते हो तो आप कुछ भी टाइप करते हो तो ये कर्सर एरो पहले आगे होता है। जब भी आप टाइप करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे टाइप होता है और ये कर्सर एरिया पीछे पीछे जाता रहता है। द कर्सर शो वेयर यू आर ऑन द स्क्रीन। व्हेन यू प्रेस द लेटर की और नंबर की, इट विल अपीयर वेयर कर्सर वॉज एंड कर्सर मूव ऑन स्पेस टू एंड राइट। तो जब भी आप जो ये आप देख रहे हो कि व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर द टेक्स्ट एरिया, द पॉइंटर चेंज टू लाइक। तो
आप मतलब माउस को आप हिला के टेक्स्ट एरिया में कहीं भी अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो वो लुक में कैसे दिखाई देगा, इससे आई के जैसा. ओके, यूजिंग द कीबोर्ड. तो यहाँ पे हमें कीबोर्ड में कैसे कैसे कौन से मतलब बटन, मतलब जो भी जैसे कि लेटर की, राइट की, लेफ्ट की, डिलीट की का कैसे यूज़ करते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे. तो फर्स्ट है लेटर की. द लेटर की आर यूज टू टाइप लेटर वर्ड्स और सेंटेंस. तो लेटर की का यूज़ किस में होता है, तो उसको टाइप करने में, वर्ड्स और सेंटेंस लिखने में. ऑल द लेटर्स ऑन द कीज आर कैपिटल लेटर, बट व्हेन यू प्रेस द लेटर की दैट लेटर अपीयर ऑन द स्क्रीन एज स्मॉल लेटर. तो आपने देखा होगा कि जो पूरा कीबोर्ड होता है उसके ऊपर जो लेटर लिखा हुआ होता है तो वो कैसा होता है, स्मॉल या कैपिटल. यस, तो सभी की के ऊपर सभी लेटर कैपिटल में लिखे होते हैं. ओके, अगर हमें कैपिटल में नहीं लिखना है, जैसे कि फर्स्ट हम अगर किसी का नाम भी लिख रहे हैं. ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एनिमल, तो मुझे फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, बाकी की मुझे स्मॉल चाहिए. तो हम कैसे करेंगे, तो जो लेटर की है ना, प्रेस ए लेटर की, उसको हम प्रेस करेंगे ना कैपलॉक्स की, जो भी आपको वो कंप्यूटर लैब में भी आपकी मैम ने बताया होगा कि जो कैपलॉक्स की है उसको भी अगर आप प्रेस करोगे तो आपका जो लेटर है वो सभी स्मॉल हो जाएंगे. अगर जब भी आपको फिर से कैपिटल करना है तो फिर से आप उसको दबाओगे तो फिर से वो कैपिटल हो जाएंगे. प्रेस द की JACK ऑन द कीबोर्ड, यू विल सी द वर्ड जैक इन स्मॉल लेटर्स ऑन द स्क्रीन. तो जब भी आप अपनी की मतलब आपके कीबोर्ड में टाइप करोगे JACK, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो भी बटन है ना, जितनी भी कीज़ है उसके ऊपर ये वाला कैपिटल लिखा है, लेकिन जब आप स्क्रीन में मतलब आप जब स्क्रीन में देखोगे जो मॉनिटर में, तो ये स्मॉल लेटर में आया होगा. ओके, एज यू टाइप इज लेटर नॉट हाउ द कर्सर मूव ऑन द स्पेस टू द राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप दिखाया हुआ है कि यहाँ पे लिखा जैक. ओके, तो जो कर्सर रह गई हो वो इसके मतलब वर्ड खत्म होने के बाद ही मतलब यहाँ पे है. तो जैसे जैसे आप लिखोगे सेंटेंस जितना भी, तो उसके बाद ही ये कर्सर कंटिन्यू ही रहेगा. फिर है स्पेस बार. अगर हम यहाँ पे कुछ मतलब ये जैक लिखा, अगर हमें जैक और यहाँ पे लिखना है एंड, तो इस दोनों के बीच में हमें स्पेस छोड़नी है. तो हम कैसे छोड़ेंगे, तो ये जो हमारे कीबोर्ड में जो सबसे लंबी वाली की होती है वो होती है स्पेस बार. तो इसको हम करेंगे स्पेस बार की को, तब जो भी वर्ड्स हम लिखेंगे तो उसके बीच में ये स्पेस हो जाएंगी. तो आपको स्पेस बार की इसके की के बारे में तो आपको पता ही होगा ना. अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा टाइप किया हुआ है, तो द फिर स्पेस स्पेस बार इज, ये मतलब पूरा बीच में जो जगह है वो किस लिए है, तो इस की के वजह से. ओके, जैसे कि पहले हमने टाइप किया यू, फिर हमने स्पेस की को दबाया, फिर लिखा कैन, फिर स्पेस बार, फिर सी, फिर स्पेस बार, ध स्पेस बार, वर्ड स्पेस बार, जैक स्पेस बार. ओके, तो मतलब ये जो भी हम लिखते हैं तो हमें बीच में जो जगह रखते हैं वो किससे, स्पेस बार से. ओके, द स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, इट इज यूज टू पुट स्पेस बिटवीन लेटर ऑन वर्ड्स. You can see the word jack on the screen and the cursor at the end of the word. तो जैसे कि आपने देखा कि jack के मतलब जो words ख़त्म होने के बाद ही end में ही पूरा cursor एरियो है. Press the space bar once and see how to cursor move on space to the right. तो हम देखते हैं कि जब हमने space bar की keys को हमने press किया तो कर्सर एरिया उससे दूर चला गया, मतलब बीच में स्पेस छोड़ दी ना. यस, फिर है यूजिंग द लेटर की एंड द स्पेस बार टाइप द वर्ड
एंड झील। तो जैसे मैंने अभी आगे बताया था कि स्पेस मतलब जैक लिखा, फिर स्पेस बार, फिर लिखा एंड, फिर स्पेस बार का बटन दबाया, फिर लिखा है झील। ओके, फिर है एंटर, एंटर की ये आपने देखी है ना, जो इस तरह से होती है। द एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। तो अगर ये हमने मतलब ये पूरा सेंटेंस लिख लिया, ओके, ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप कर दिया। अभी इसको हमें कंटिन्यू नहीं करना है, हमें नीचे की लाइन में लिखना है। तो कैसे नीचे की लाइन में जाएंगे, तो एंटर की को हम जब प्रेस करेंगे तो वो नीचे की लाइन में हमारा जो एरो है वो चला जाएगा। ओके, जो कर्सर हमारा है वो नीचे चला जाएगा। You have typed Jack and Jill and you can see the cursor at the end of the word Jill. तो आपने देखा होगा कि जब Jack and Jill ख़त्म हो गया, पूरा सेंटेंस लिख लिया, तो जो कर्सर रह गया वो लास्ट में रह गया, लास्ट में ही था। ओके, बट हमें तो अब नीचे की लाइन में लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो नीचे की लाइन में आ जाएगा। फर्स्ट प्रेस द एंटर की, the cursor will jump to the line, to next line। तो हम जब भी एंटर की को प्रेस करेंगे तो जो कर्सर एरिया हुए वो ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन पे आ जाएगा। सेकेंड, इफ यू वॉन्ट टू लीव वन मोर लाइन यू कैन अगेन प्रेस द एंटर की, द कर्सर जम्प डाउन द मोर लाइन। अगर आप फिर से एंटर ये वाला एंटर की दबाओगे, प्रेस करोगे, तो वो फिर से एक और लाइन नीचे आ जाएगा, मतलब एक और लाइन वो जंप कर देगा, और जैसे जैसे वो आएगा तो वो कर्सर एरियो वैसे ही नीचे चला जाएगा। फिर है कैप्स लॉक की। तो द कैप्स लॉक की मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, तो चलो हमने ये जैक एंड जी लिखा है स्मॉल में, ओके, ये ख़त्म हो गया, एंटर की दबा के हम नीचे की लाइन में आ गए। अब हमें ये यही जैक एंड जील हमें कैपिटल में लिखना है, तो हम कैपिटल अब कैसे करेंगे, तो हमारे कीबोर्ड में हमारे लेफ्ट हैंड के साइड पे एक चुक्की आएगी, तो वहाँ पे लिखा होगा कैप्स लॉक की, तो उसको अगर आप प्रेस करोगे तो हमारे जितने भी लेटर जो हम टाइप करेंगे वो लेटर हमारे कैपिटल हो जाएंगे। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें फर्स्ट लेटर ही सिर्फ कैपिटल रखना है, ओके, जैसे कि ये जैक है, तो ये हमें जैक ही पूरा कैपिटल रखना है, फिर बाकी के ए सी के वो हमें स्मॉल में रखना है, तो आप क्या करोगे, कैप लॉक की को आप एक बार प्रेस किया, फिर आपने जे टाइप कर दिया, फिर आपको और एक बार प्रेस कर दोगे, फिर आप ए सी के लिखोगे तो वो स्मॉल में ही आ जाएंगे। ओके, प्रेस द कैप लॉक की, यू विल सी अ येलो लाइट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर टू कीबोर्ड्स व्हेन दिस लाइट ऑन इट सो दैट यू आर यूजिंग द कैप लॉक की टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप स्मॉल और लेटर कैपिटल्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू अगेन प्रेस द कैप लॉक की द येलो लाइट विल गो ऑफ, नाउ व्हाट एवर यू टाइप विल अपीयर इन स्मॉल लेटर ऑन द स्क्रीन। तो फिर से अगर आप उसको प्रेस करोगे तो ये स्मॉल में हो जाएगा। प्रेस द कैप लॉक की एंड टाइप जैक एंड जील, ऑल लेटर आर कैपिटल लेटर। तो जब भी आप उसको टाइप मतलब प्रेस करोगे तो कैपिटल भी सब लेटर हो जाएंगे, और फिर से आकर आपको स्मॉल में चाहिए तो फिर आप उसी कैप लॉक की को प्रेस करोगे तो सभी लेटर स्मॉल में हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट जो लाइन थी वो सब स्मॉल लेटर में, जैक एंड जी, फिर हमने एंटर की दबा के हम नीचे की लाइन में आ गए। ओके, फिर हमने कैप लॉक की को प्रेस किया और हमने सभी लेटर कैपिटल में कर दिए, तो जब भी हमने टाइप किया तो जैक एंड जील कैपिटल लेटर में आ गए। फिर है शिफ्ट। तो द शिफ्ट की इज यूज टाइप इन कैपिटल लेटर। फर्स्ट प्रेस द एंटर की टू टाइम्स, एंड जो हमने एंटर की वाली जो देखी पीछे वाले पेज पे, उसको हम टू बार प्रेस करेंगे, टू टाइम टू लीव टू लाइंस आफ्टर जैक एंड जील, तो सेकंड लाइन पे चला गया।
सेकंड प्रेस द शिफ्ट की द विंडो रिलीजिंग इट प्रेस आई. तो यहाँ पे जब दो बार उसको एंटर की मतलब एंटर की प्रेस किया तो दो लाइन जंप कर दी. ओके तो फिर उसके बाद शिफ्ट की को हम प्रेस करेंगे तो जब हम प्रेस आई करेंगे तो आई आएगा कैपिटल. फिर थर्ड है नाउ रेज टू शिफ्ट की एंड प्रेस द की एन डी आई ए. तो यू विल सी द वर्ड्स इंडिया ऑन द स्क्रीन. ओके तो आप पहले तो आपने आई तो प्रेस कर ही लिया है फिर आप कीबोर्ड में एन डी आई ए प्रेस करोगे तो स्क्रीन पे क्या आएगा एन डी आई ए स्मॉल में आएगा और आई जो है वो कैपिटल इस तरह से आएगा. तो इस तरह से लगेगा जैक एंड जिल, जैक एंड जिल इंडिया. ओके फिर है द शिफ्ट शिफ्ट की इज द ऑल्सो यूज टू टाइप ऑफ ऑप्शन गिव एट द टॉप ऑफ द प्रैक्टिकुलर की सॉरी पर्टिकुलर की इफ यू ऑब्जर्व द कीबोर्ड केयरफुली यू विल सी दैट ऑल द नंबर की एंड सम अदर की हैव टू ऑप्शन ऑन देम. तो हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे कीज होती है. अगर आप एक बार आराम से कीबोर्ड पूरा देखोगे तो कुछ ऐसे भी की है जिसके दो ऑप्शन भी निकलते हैं जैसे कि हम आगे बताएंगे जब इसमें चैप्टर में आगे आएगा कि ऐसी बहुत सारी की है जिसका यूज़ एक ही काम के लिए नहीं होता उसका यूज़ दो काम के लिए भी होता है. अगर हमें कुछ और भी लिखना है या फिर और भी कुछ हमें एडिट वगैरह जो भी करना है उस की का मतलब हम दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर है फर्स्ट प्रेस द एंटर की ट्विस एंड टाइप हाउ आर यू नाउ नाउ यू हैव अ पुट एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड द क्वेश्चन. अगर हमने लिखा है क्वेश्चन मार्क में पूछा है उसको क्वेश्चन पूछा है तो लुक एट द कीबोर्ड केयरफुली ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द कीबोर्ड देयर इज द की. तो आप कीबोर्ड में देखोगे तो इस तरह से की होगी जिसमें क्वेश्चन मार्क भी है और इस तरह से का कॉमा भी है विथ ए क्वेश्चन मार्क ऑन द टॉप एंड ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो बिलो इट. थर्ड प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट लिसिंग इट प्रेस ये जो आप क्वेश्चन मार्क वाली की देख रहे हो यू विल सी क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में. ओके तो अगर आपने ये सेंटेंस लिखा है आप उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मतलब जो भी हमारा ये लाइन ख़त्म होगी तो हम लास्ट में फुल स्टॉप करते हैं. तो जैसे कि ये वाली जो आप की देख रहे हो ना तो वैसे ऐसी बहुत सारी की है उसमें दो दो मार्क होंगे जो उसमें दो दो उसके चिन्ह होंगे. तो उसको हम कैसे करेंगे अगर हम ऐसे ही कर देंगे तो जो उसका फर्स्ट वाला जो मार्क होगा वही आएगा. तो अगर हमें नीचे वाला जो मार्क चाहिए तो वो कैसे आएगा तो हम उसको शिफ्ट की के साथ उसको प्रेस करेंगे तो हमें जो मार्क चाहिए होगा वो आ जाएगा. जैसे कि क्वेश्चन मार्क है लुक एट द कीबोर्ड केयरफुली द नंबर कीज आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9 व्हेन यू प्रेस अ नंबर की दैट नंबर विल अपीयर ऑन द स्क्रीन इफ़ यू प्रेस द शिफ्ट की प्लस ए नंबर की द साइन गिवन at the top of the number key will appear on the screen. First press the enter key twice and then press 5 the number 5 will appear on the screen. Second press shift plus 5 that the percentage thing given at the top of the number 5 key with on the screen. तो ये जो पूरा मैंने अभी बताया तो ये आपको जब प्रैक्टिकली करोगे तभी आपको ज़्यादा पता चलेगा कि कीबोर्ड में
जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कीबोर्ड है, ये मैंने आपको बताया है चैप्टर 3 जो हमारी बुक में ये थर्ड वाला जो चैप्टर है उसमें ये पूरा कीबोर्ड दिया हुआ है ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि ये रहा जो शिफ्ट की है और यहाँ पे जो डबल डबल की है, ओके ये जो आप देख सकते हो, ओके नंबर्स भी है साथ में, पहले जो चिन्ह भी है, ओके तो अगर हमें ये वाला जो क्वेश्चन मार्क चाहिए था तो हम कैसे लेंगे, तो शिफ्ट की को ऐसे दबा के और ये फर्स्ट वाली की जो हमारी फिंगर है उससे हम ये वाली करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर ये हमें डबल कॉमा चाहिए तो फिर ये शिफ्ट की को हम प्रेस करके ये वाली की प्रेस करेंगे, ओके। फिर यहाँ पे था हमारा कैप लॉक्स की, मैंने बोला था ना जो हमारे लेफ्ट हैंड पास आएगा, तो ये यहाँ पे सभी की आप देख सकते हो, तो सभी की पे अल्फ़ाबेट जो जितने भी लेटर है वो कैपिटल में है, ओके और हमें लिखना है स्मॉल में, तो हम क्या करेंगे, हम पहले कैप लॉक्स की को प्रेस करेंगे और हम ABC मतलब कुछ भी हम लिखेंगे तो मॉनिटर जो मतलब स्क्रीन पे है वो स्मॉल लेटर आएगा। और अभी हमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो फर्स्ट लेटर ही हमें कैपिटल चाहिए, बाकी लेटर जो स्मॉल में, तो इसको हम प्रेस करेंगे, फिर से ए लिखा, फिर प्रेस करके अगर हमें कुछ भी लिखना है तो बाकी के सब स्मॉल में आ जाएंगे, ओके फिर ये स्पेस बार की है, फिर ये एंटर की कि हमें दूसरी लाइन में जाने के लिए, ओके फिर ये वाली है बैक स्पेस, अगर हमें मतलब वर्ड्स यहाँ पे हमें लिखना है कुछ वर्ड्स, जैसे कि की लिखना है कीज़, ओके ये जो कीज़ है ना वैसे कीज़ हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे KEYS, लेकिन S को प्रेस करने से गलती से हमारा हाथ D पे लग जाता है, ओके तो किट बन गया ना, तो डी को हम रफ करना है तो कैसे करेंगे प्रेस, तो ये बैक स्पेस है इसको हम क्लिक करेंगे तो डी हमारा इरेज हो जाएगा और हम करेंगे एस को प्रेस, ओके फिर वैसे ही हमने जैसे कि देखा था कि वो 5+ जो वाला चिन्ह था ना ई रहा 5 में ही है, ओके तो हम पहले 5 प्रेस करेंगे और ये वाला जो भी हमें चिन्ह चाहिए तो शिफ्ट की से फिर ये करेंगे तो ये जो है वो भी आ जाएगा, ओके वैसे ही यहाँ पे एस 1, 2, 3, 4 से लेके 0 तक नंबर्स भी है और साथ में उसके ऊपर कुछ चिन्हों भी है, ओके तो ये हमने देखा। फिर है थर्ड, प्रेस द एंटर की ट्विस्ट एंड देन टाइप हेलो। फोर्थ, प्रेस शिफ्ट +1 द एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला, फिर गिव एट द टॉप ऑफ द नंबर 1 की विल अपीयर ऑफ द स्क्रीन। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कीबोर्ड में बताया कि नंबर्स के साथ साथ कुछ ऐसे मार्क भी है जैसे कि चिन्हों भी है, तो आप नंबर्स भी लिख सकते हो, अगर वो आपको मार्क चाहिए मतलब चिन्हों भी चाहिए तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके भी आप वो ला सकते हो, ओके तो अब हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट पेज है ये वाला है कौन सा, कर्सर की, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है तो हम कंटिन्यू एक ही साथ नहीं लेते हैं, ओके तो ये हमारा पार्ट 1 है लास्ट चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लास्ट चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2, ओके तो तब तक कि आपको जितनी भी की का आपको यहाँ पे बताया, तो अगर आपके घर में कंप्यूटर अवेलेबल है या फिर लैपटॉप या, तो आप उसमें ये प्रैक्टिस कर सकते हो नोटबुक में से लर्न कर करके, ओके अगर नहीं है तो जब भी हम स्कूल में कंप्यूटर लैब में मिलेंगे तो पूरी जो आपको कीज़ है उसके बारे में बता देंगे और प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देंगे, तब तक आपको ये सब कीज़ के बारे में लर्न करना है।